देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के माध्यम से लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं से संवाद किया, जिसकी कड़ी में हरियाणा भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने गांव रामपुरा में बूथ पर बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। पीएम मोदी कमला नेहरू स्टेडियम में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पहुंचे, जहां वे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, मध्य प्रदेश की धरती की भाजपा को सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब भी दिया। मोदी जी के 9 वर्ष का कार्यकाल जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, इस 9 वर्ष के अंदर जो देश के लिए, गरीब कल्याण के लिए, जैसे मैंने कहा सेवा के नाते जो जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं माननीय राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, और संगठन ने पूरा महासंपर्क अभियान चलाया है। उसमें महासंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक बूथ पर जाकर के उनकी उपलब्धियां हैं वो बताने की बात है, चाहे जो है ना लाभार्थी सम्मेलन है, चाहे जो है ना व्यापारी सम्मेलन है। तो आज माननीय मोदी जी ने भोपाल से पूरे देश के 10 लाख जो है ना बूथों पर जो है ना ये सारा जनसंवाद किया, वहाँ के कार्यकर्ताओं से संवाद किया और देश को संबोधित किया है। और पूरे आज ब्लॉक स्तर पे भी एक बड़ा कार्यक्रम था, इस नाते आज मैं रामपुरा आया था हमारे बवैन ब्लॉक में, और बहुत लोगों में बड़ा उत्साह है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को संबोधित किया है, और मैं निवेदन करना चाहूँगा आने वाले दिनों के अंदर ये जब सारी बातें जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जाएंगे, निश्चित रूप से फिर देश की 125 करोड़ जनता आशीर्वाद देकर के मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश के अंदर सरकार बनेगी।